तो आज नवरात्रि का यार 8वां दिन है, तो यार आपको एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा मैं जिसको देख के आपका दिल तो यार बहुत खतरनाक वाला धड़कने वाला है। एक नजर हिमालय की ओर भी डालो भाई, ये देखो हिमालय पूरा भूस्खलन हो रखा है और उस साइड भी पूरा भूस्खलन हो रखा है यार। आगे दूर तक गाड़िया दिख रही होंगी आपको और पीछे भी यार। तो यार यहाँ पे ना 7 धारे हैं, तो यार 5 धारे में पानी नहीं है। बढ़िया पहचान लिया तो भाई यार यहाँ पे भी सब्सक्राइबर मिल गए भाई। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सारे चंगे और मजे होंगे। तो आप सभी का यार नीरज दसौनी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यार आज है 29 मार्च 2023। तो यार बहुत दिनों से ना नवरात्रि चल रही थी, तो आज नवरात्रि का यार 8वां दिन है। तो भाई आज मैंने सोचा भाई एक मस्त से मंदिर में जाने की, मतलब एक मस्त सी लोकेशन में। तो यार आज के दिन भाई महागौरी की पूजा होती है, तो आज 8वां दिन भी है, तो यार इसको अष्टमी के रूप में भी जानते हैं। तो यार आज का व्लॉग बहुत खास है, थंबनेल वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा। हम जाने वाले हैं भाई एक बहुत ही प्यारे मंदिर में, जो कि हमारे गांव साइड को ही है, मतलब हमारे गांव से अप्रोक्स 40 या 50 किलोमीटर समथिंग पड़ता होगा। तो यार आज के व्लॉग में मैं और मेरा भाई जाने वाले हैं, उससे भी मिलाऊंगा अभी आपको। तो भाई बने रहो वीडियो के साथ, और वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी अपने गाँव होम टाउन नाचनी से। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं बचपन में जाता था उस मंदिर में, और आज बहुत सालों बाद आज फिर से जा रहा हूँ। तो गाइज यार बने रहो वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो निकलते हैं यार सबसे पहले घर से, मैंने नहा लिया था सुबह ही और अभी 8 बज रखे हैं, तो हमें दूर भी जाना है, तो यार फटाफट से तैयार होते हैं। तो यार अभी सबसे पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से मंदिर की ओर। में हो जहाँ जिक्र तेरा तू। तो गाइस जा रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे लगा दिया टीका, अब जा रहे हैं हम मंदिर की ओर। हमारे जनू पे चलो, तो निकलते हैं भाई। अगर मंदिर में भले सब अमनक चलो ठीक हो। ठीक हो बाय। तो गाइस यार निकल चुके हैं घर से, अब रास्ते का आपको दिखाते हैं क्या क्या लोकेशन है, तो बने रहो यार वीडियो पे। तो यार सबसे पहले अपने गांव वाली मार्केट में पहुंचे हम, और वहां जाने के लिए भाई हमें अपनी गांव वाली मार्केट से निकलना पड़ेगा आगे। गाइज यार मैं जा रहा हूँ हिमांशु के साथ, और ये भाई मेरा भाई जो कि अनपढ़ है सारा, बिल्कुल कुछ नहीं आता इसको, और ये अभी मनोकामना मांगने जा रहा है भाई मंदिर में। तो देखते हैं यार कितने देर में पहुँचते हैं हम, और अभी तो हमें यार 9 तो यहीं बज गया है। यहाँ पे थोड़ा सा यार जाम लगा था आगे, अब खुल चुका है, तो निकलते हैं फटाफट से। बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा तू। तो यार गाइस घर से 9 बजे निकल गए थे, और थोड़ा बहुत आपने सिनेमैटिक शॉट देखा होगा, और हम आज जाने वाले भाई होकरा मंदिर। आपको बता ही देता हूँ भाई, होकरा मंदिर है भाई, ये दुर्गा माँ का मंदिर है। तो यार हमने सोचा आज अष्टमी भी है और वहाँ ना मेला भी लगे रहता है भाई आज के दिन, तो हम जाने वाले हैं भाई होकरा मंदिर। और रास्ते में यार हम एक बहुत खतरनाक वाली लोकेशन में पहुंचे हैं, यहाँ पे मतलब यार जीवन और मौत के बीच का खेल है, मतलब ये समझ लो। तो यार आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा मैं जिसको देख के आपका दिल तो यार बहुत खतरनाक वाला धड़कने वाला है।
तो गाइस यार ये देखो कुछ ऐसी लोकेशन में हम पहुंचे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो भाई एक छोटा सा गांव है, और ये देखो भाई वहाँ लोग रहते हैं और वहाँ खेती भी हो रही है, और देखो 1, 2, 3, 4 घर हैं वहाँ मतलब। और इस साइड देखो भाई पूरा भूस्खलन हो रखा है, और उस साइड भी पूरा भूस्खलन हो रखा है, और ऊपर से मतलब कभी भी ये पूरी पहाड़ी गिर सकती है नीचे। और इन लोगों का जीवन ना भाई बहुत कठिन है यार। तो भाई ऐसे ही कुछ पहाड़ों में जीवन जिया जाता है। तो यार जो लोग बोलते हैं ना शहरों में बहुत कठिन है मतलब गर्मियों के सीजन में वहाँ बाढ़ आ जाती है, तो भाई इनका जीवन देखो कैसे सरवाइव करते होंगे अपने मतलब कठिन दिनों में, जब बरसात का सीजन आता होगा तो ऊपर से अगर एक पत्थर भी आता होगा तो सीधे वहीं पहुंच जाता होगा भाई नीचे। ये देखो यहाँ से पत्थर आ रखे हैं और इनके घर के यहाँ। तो यार कभी ऐसा ना हो लेकिन ये पहाड़ी तो आ सकती भाई कभी ना कभी, तो बहुत कठिन जीवन है इनका। तो भगवान करे यार कभी ऐसा ना हो, वो दिन इनको फेस करना ना पड़े। तो अभी निकलते हैं हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और ये वाला लोकेशन देख के अगर आपको ख़तरनाक डर टाइप का लग रहा है तो यार लाइक कर दो फटाफट से, और हमारे साथ बने रहो वीडियो लास्ट तक। देखो बहुत तगड़ी वीडियो ने आ लिया, अभी तो आपको माता रानी के दर्शन भी कराने हैं गाइस। तो चलो चलते हैं फटाफट से यार। तो भाई जी यार यहाँ पे ना रोड का काम चल रहा है देखो नीचे, और रोड बहुत ही खतरनाक वाली ऑफ रोड टाइप की है यार देखो। तो गाइस यार आगे दूर तक गाड़ियां दिख रही होंगी आपको, और पीछे भी यार। तो गाइस यार यहाँ पे कच्चे रोड होने के कारण ना यहाँ पे कहीं खतरनाक वाली धूल उड़ रही है, और भाई यहाँ पे हमारे ड्राइवर बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं भाई। नीचे पूरी खाई है और आगे देखो भाई कहीं खतरनाक रोड। तो भाई साहब यहाँ पे कहीं खतरनाक रोड है यार, देखो आप लोग देख सकते हो पूरी ऑफ रोड है और पूरी चढ़ाई वाली रोड है यार। तो गाइस यार हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, जो ये पहाड़ दिख रहा है ना आगे बस इसके पीछे पे ही है भाई माता का मंदिर, और आपको दिखाते हैं भाई कितना सुंदर है। तो यार काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा होकरा जगह, और मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं उस साइड के, तो देखते हैं यार कोई मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि सब बाहर को ही हैं। तो यार बहुत ख़तरनाक रोड है यार इधर की, यहाँ की रोड ना बहुत ही ख़तरनाक, अगर किसी को ऑफ रोड करनी है तो इधर आओ भाई, मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ भाई कहीं ख़तरनाक रोड है यार। और यहाँ देखो ऐसे पहाड़ में रोड है बिल्कुल खतरनाक खतरनाक तरीके से, और अभी हमने इसी पहाड़ी के पीछे जाना है। एक नजर हिमालय की ओर भी डालो भाई, ये देखो हिमालय गामी ग्लेशियर बहुत ही खूबसूरत। तो भाई पार्किंग ढूंढ रहे हैं और हमें जाना है भाई यहाँ से नीचे, देखो आप यहाँ कहीं जाना है। तो अभी आपको दिखा दें भाई एक खूबसूरत सा मंदिर, जो कि यार बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आना। बचपन में आता था तो 4-5 साल से मैं आया नहीं हूँ और आज ही आ रहा हूँ। तो गाइस यार फाइनली निकल चुके हैं मंदिर की ओर, और आपको दिखाते हैं भाई रास्ता कैसा है मंदिर में जाने के लिए। ये देखो किसी की पूजा भी जा रही है भाई, और देखो भाई चारों ओर खेती मस्त एकदम। तो गाइस यार अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर और अच्छा लग रहा है यार, ऊपर से लेके वहां तक ना पूरे गांव ही गांव है, और बीच में मंदिर है नीचे भी गांव है मतलब। तो देखो भाई कितने लोग जा रहे हैं, और वहाँ बहुत सारे लोग पहले से ही हैं जो कि कल और आज में गए होंगे, और बाकी पीछे से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। और यहाँ देखो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं यार। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और आपको दिखाते हैं एक बहुत खूबसूरत मंदिर जो कि यहाँ पे है। देखो इसका गेट देवकी द्वार, दो गेट है भाई, एक है और एक मेन गेट ये वाला है। तो काफी क्राउड है यार यहाँ पे। भाई गेट से अंदर इंटर कर चुके हैं, और देखो मानसू भाई
यहाँ डाल दे अंदर छुपा दे। तो यार यहाँ पे ना सात धारे हैं और इन सात धारों का अपना महत्व है और यहाँ पे बहुत सारे लोग नहाते हैं और ये पानी मतलब सात अलग अलग धारों से। यार हमें क्या करना पड़ता है, अपनी श्रद्धा दिखानी पड़ती है, अपने शरीर में डालना पड़ता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा धारा जय हो। तो अब तीसरे धारे की ओर निकलते हैं भाई। तो तीसरा धारा भी पूरा हो चुका है, चौथा जय हो। ये ऐसे करके भाई सर में डाल रहा हूँ यार पानी, इसमें नहीं आ रहा पानी। तो यार पांचवें धारे में पानी नहीं है और छठा धारा भाई ये और ये वाला सातवां, तो फिनिश हो गया। चैनल नेम है नीरज दसवानी ब्लॉग। नीरज दसवानी ब्लॉग, बढ़िया बता लिया। तो भाई यार यहाँ पे भी सब्सक्राइबर मिल गए भाई हमें। तो भाई आ चुका हूँ भाई गेट से अंदर और जाते हैं भाई मंदिर में। और यहाँ पे देखो भाई बहुत सारे पंडित लोग बैठ रखे हैं बढ़िया करके, यहाँ पे आपके पूजा पाठ करेंगे ये लोग। और मेन मंदिर भाई ऊपर है तो ऊपर चलते हैं। और काफ़ी भीड़ हो रखी है यार भाई यहाँ पे देखो। तो ये है भाई हमारी दुर्गा माँ का मंदिर ओखरा देवी का, ये देखो यार। जय हो एक्सपोज कर दो इसका। अरे वीडियो नहीं बनाना है वरना सख्त मना है, तो बंद कर देते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो यार मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ आपको। और साइड से मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पर्दे लगा रखे हैं। और यहाँ से देखो भाई थोड़ा सा दिख ही नहीं रहा है भाई, तो यहाँ से दिख सकते हैं आपको। ये देखो ये है भाई मंदिर। सही हो रहे हैं पक्का? तो भाई यहाँ पे खा रहे हैं अभी चने भैया की शॉप से यार। यहाँ पे छोटी सी शॉप है मतलब हाल ही में खोल रखी हुई इन्होंने, ये देखो। तो गाइस यार अभी होकरा मंदिर में पहुँचे थे और ये देखो हमें यहाँ पे कौन मिले हैं, हमारे सूरज भाई जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं आज के दिन, और लड़की पटाने के लिए आ रहे हैं। और ये अरे साइबर क्राइम इधर तो आओ यार। तो इनका भी चैनल है भाई पहाड़ी ब्लॉगर सूरज करके, पहाड़ी ब्लॉगर सूरज, जाओ सब्सक्राइब करो और प्यार बरसाओ यार भाई, भाई, भाई वीडियो यार जाओ भाई 220 लवर जो है फटाफट जाओ। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर रहा समझदार नहीं होता, ए में दोस्ते दोस्ते संभल के करना और दोस्त वफादार नहीं होता। सावन की बदले में बरसात होगी, खुदा ने चाहा जो मुलाकात होगी, हमने चाहा आपको, आपने चाहा किशोर को, खुदा करे आपको चाहने वाला चाहे किशोर को। सैकड़ों दर्द मंद मिलते हैं, मतलब के लोग संद मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है उनको दरवाजे बंद मिलते हैं। जिसको मैंने दिल दिया वो दिल्ली चले गई, दिल्ली जो हम गए इटली चले गई, इटली जो हम गए पटना चले गई। सोचा कि बिजली के तार को छूकर मर जाऊँ, बिजली के तार को छुआ तो बिजली निकल गई। जहाँ पत्र जाते रहना सुबह वाली कार में, आपकी गर्लफ्रेंड बैठे होगी आपके इंतजार में। बैठी होगी, चलो भाई जाओ यार आपकी गर्लफ्रेंड, जाओ जल्दी यार जल्दी जाओ जल्दी। हरी मिर्च लाल मिर्च, मिर्च बड़ी तेज, घरवाली मेरी सीधी शादी साली बड़ी तेज। यार इस मंदिर से निकल गए हैं और उसमें पहुंच चुके हैं अभी, और वहां पे ना वीडियो बनाना ज़्यादा अलाउड नहीं था, थोड़ा बहुत मैंने बनाया है। तो यार अभी फटाफट मेरे को जाना पड़ेगा घर, तो हम मतलब रुकना चाहते थे इधर बट रुक नहीं पा रहे हैं, तो अभी यहां से निकलते हैं फटाफट से यार, सीधे नाश्ते जाके मिलते हैं अपने गाँव में, जाके मिलते हैं आपसे। हैं
अरे जो होना सी तब जल्दी आई हूँ। अच्छा, बक्की भीड़ है रही वहाँ क्या हुआ, क्या कर रहा है सर? बढ़िया भी हो, अभी जल्दी आ गया जी। जल्दी आ गई ना, दिया तुम्हें दियो यार। फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं और हमारा रीजन उधर से जल्दी आने का क्या था, ये देखो भाई मौसम पूरा खराब हो गया और जाम गए थे ना इस वाली साइड गए थे और वहाँ तो बारिश भी आने लग गई होगी